कोई रिकॉर्ड किया क्या? यहाँ पे तो सब रिकॉर्डिंग ही होता है भाई। अरे यार भाई और... पिछला वाला किया था ना हमने स्पेस, वो मैंने पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग एक यूट्यूब पे देखी थी, अरे यार पूरे के पूरे स्पेस की, 1-2 घंटे की जितने की भी थी वो। ये बात है भाई, ले भाई सिस्टम, ले भाई सिस्टम, सिस्टम है भाई। भाई जितने भी लोग नीचे बैठे ना, ऊपर एक ट्वीट शेयर किया है मैंने, बात एक बार बोलने दो यार, रीजन है उसका रेंडर भाई, क्योंकि जीताना तो जीताना है भाई, थान लिए भाई, ऊपर एक ब्रेड पनीर चिली लगा भाई। चलो अपन गाजा इजराइल की बात कर लेते हैं भाई फिर। ओके 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 सही में बिल्ला। अच्छा सीरियसली मजाक नहीं, कहाँ कहाँ है तुम्हारा स्टोर? सिर्फ लखनऊ में? नहीं नहीं, लखनऊ में तो बाद में, सबसे पहले मैंने चंडीगढ़ 26 सेक्टर से चालू किया था, उसके बाद मोहाली 3B2, पंचकुला, खरड़, पठानकोट, जयपुर में है, और गुड़गांव, लखनऊ में है ना तो अब हमको दिल्ली आना, गुड़गांव में ना तुम्हारा पूरा होटल ने खाली कर दिया ना, 5,000 का बिल बनाएंगे भाई, बना देता और बिल्ला ये बना देता है, देखा है मैंने। अरे बनाने दो ना, एक साथ 10 लोग को लेके आने, 10 लोग क्यों भाई, अकेले खाएंगे हम, बहुत खाता भाई और खराब हुआ लोग तो मुझे भाई। मुझे मोटा बोलते हैं भाई, रैंडम भाई को देख लोगे तब पता चलेगा भाई। अरे न्यूज बॉय भैया भी है, आ जाओ भाई। अरे सम्राट भाई मोटा बोलते हैं आपको, लेकिन मोटे को पतला करने का ही सामान बेच रहा हूँ मैं नहीं रैंडम को दो भाई, मेरे से 3 गुना है ये पता तुम्हें? नहीं बोलना मुझे कुछ अभी अभी छोड़ो भाई, तो एक काम करो रियल फोटो डाल दो ना अपना, मुझे गलत प्रूफ कर दो। रियल फोटो डालेंगे तो फिर टीम साथ को ऑर्गेज्म आ जाएगा ना, वो जुवेर को भी भाई। हेलो बेंगलोर पुलिस कौन बोलेगा, अरे सही फिर मानने लगेगा। और भाई न्यूज बॉय, हां भाई हेलो भाई, सपोर्ट कर रहा हूं भाई बिग बॉस में रैंडम से, मैं तो किसी को ही सपोर्ट नहीं कर रहा हूं इस बार भाई। अरे यार न्यूज बॉय भाई हम भी परेशान है, ये तो फिर कमेंट करवाएगा वही अरे यार ऐसे नहीं, देखो एक काम करो एक बार जाके सब कर आओ भाई, 10-10, 12-12, उसके बाद फिर बिल्ला भाई भी नहीं बोलेगा, मैं भी नहीं। ठीक है भाई, जो सुन रहे हैं सारे भाई, ऊपर जियो सिनेमा का ट्विटर जाके हैशटैग अनुराग इज द बॉस 20-20 बार कराओ बहन, जो ये तो बस अपना पर्सनल स्पेस है ना, बोल सकते हैं बोल सकते भाई बिल्कुल भाई, सबसे पहले न्यूज बॉय को कोहोस्ट बनाओ, उसके बाद गरियाना शुरू करते हैं। नहीं नहीं मत करना, मत करना भाई, कोई मत भाई, ये सब मत करना, ये गलती भाई, ये मत करना भी, ये जो भी करेगा भाई को प्राइस को बैन करो। नहीं 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 नहीं, मैं बोलेंगे कौन निशानियां भाई इस बार मेरे को फिर कल न्यूज़ मनीषा रानी के फैंडम से बेकार में गाली पड़ गई। सम्राट भाई, सम्राट भाई सीरियसली बताते हैं, देखो क्या सीन है मेरा, प्लानिंग सुनो, यूट्यूब पे 2 ही न्यूज वाले हैं ठीक है, तो इन लोगों को तो मिलता ही होगा, सुनो अब ये न्यूज बॉय को बहन जो फंसा देते हैं और नियॉन मैन को इसका कंटेंट दे देते हैं, ताकि जो भी इसको बिजनेस आएगा नियॉन मैन को ही आएगा ठीक है, उस बहन जो से 20 लाख रुपए उठा लेते हैं नियॉन मैन से, ये न्यूज बॉय की गांड मार लेंगे ठीक है, यही बेस्ट आइडिया है भाई, बनाओ बनाओ बहन जो को होस्ट बनाओ इसको नहीं बट मत बनाओ भाई मेरे को होस्ट मत बनाना। और बिल्ले भाई कैसे हो भाई यार बिल्ले ने बिल्ला बिल्ला बागड़ बिल्ला भी बोल सकते हो, बिल्ला बिल्ला ठीक है ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ, बढ़िया बढ़िया भाई। न्यूज व्यूज कवर करो यार, लोग भी बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, इसलिए छोड़ा क्योंकि लोग कमेंट्स कर रहे थे, ऐसा नहीं कि और रीजंस की वजह से, क्योंकि टॉप कमेंट्स ही हुए रहते थे और उसमें 5-6 हज़ार लाइक्स होते थे, तो मैंने सोचा नहीं यार नहीं करता हूँ, तो नहीं कर रहा भाई,
ये मेन रीजन वही है कि ऐसा नहीं कि भाई मेरे को व्यूज आएंगे, 1-1.5 लाख ज्यादा व्यूज आएंगे इस बार, 2 लाख ज्यादा, 3 लाख व्यूज ज्यादा आएंगे, बट रहने दो भाई, क्योंकि बिग बॉस खत्म होने के बाद वही व्यूज फिर से नॉर्मली एवरेज ही आते हैं। अच्छा ये जो खबरी है, खबरी है ये बहन का लौड़ा कटुआ खुद गान खुद पत्थरबाज बोलो खुद मादर चोद अपने बाप को ब्लॉक करके भाग जाता है। बड़े भाई मैं हाथ जोड़ रही हूँ, बड़े भाई प्लीज, बड़े भाई आपको भी ब्लॉक किया है ना? नहीं ब्लॉक किया है लेकिन सभ्यता का परिचय देते हैं बड़े भाई। अरे चुप रहो सम्राट भाई, आप तो डीएम में हमको बोल रहे थे कि कटुए की मां चोद दो। हां भाई ठीक है बड़े भाई, मैं अगर जो ही बोल रहा हूँ बहुत अच्छी बात है बड़े भाई, लेकिन ना अभी एमपी में इलेक्शन भी है बड़े भाई, और है ना मेरे को ना हम तो चाहते हैं सम्राट नहीं बड़े भाई, मैं यहाँ पे जो भी स्पेस में ये बातें हो रही हैं इनमें से एक भी चीज पे एग्री नहीं करता हूँ बड़े भाई। नहीं देखो भाई मैं तो म्यूट पे हूँ, मैं तो म्यूट पे हूँ सम्राट भाई, रहने दो भाई। देखो भाई होस्ट सम्राट भाई है, हां मैं होस्ट हूं भाई, मैं अगर इन्हें स्पीकर नहीं दूंगा भाई, दे आर डूइंग वेरी irresponsible things। इन्होंने मुझे इनवाइट किया, बोला कि भाई मैंने कोई इनवाइट नहीं किया भाई, मुझसे कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, पत्थरबाजों की जान मारो भाई ठीक है, मेरे को यार प्लीज बड़े भाई हाथ जोड़ दियो, सभ्यता रख लो थोड़ी, ठीक है बड़े भाई मजाक से हट गया। जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं स्पेस, सुनना अभी सम्राट ने क्या बोला कि एमपी में इलेक्शन चल रहे हैं इसीलिए भाई, ठीक है मतलब ये अग्री करता है लेकिन भाई एमपी में इलेक्शन चल रहे हैं तो बहुत रिस्पेक्टेड लोग स्पेस में कभी कभार आ जाते हैं जिनका आदर सम्मान है। ओके ठीक है अब ओके ओके। अरे यार हम ट्रोल करना चाह रहे थे यार, तो आप तो बनाओ अपना बढ़िया स्पेस बनाओ भाई, मैं आऊंगा उसमें एज अ चीफ गेस्ट, खूब आप ट्रोल करना। नहीं ऐसा नहीं होता है, आपने मुझे बोला है। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला बड़े भाई आपसे। अच्छा ठीक है ओके ओके, 800 लोग सुन रहे हैं भाई, काम की बात। शेफ बिल्ला एक बार फिर से बोल दो। आगे नहीं चला गया भाई, ऊपर नहीं भाई ऊपर ट्वीट ला पर ऊपर एक ट्वीट लगा है जियो सिनेमा का, जहां पे एक टास्क चल रहा है अनुराग जी से बॉस, तो भाई अनुराग भाई को जिताना है तो हैशटैग को कॉपी करो अनुराग जी से बॉस, कॉपी कर लेना नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, और वही ट्वीट के नीचे कमेंट सेक्शन में आ जाओ। देखो भाई दो चीज होती है, एक सेकंड शेफ बिल्ला, देखो मेरे जितने भी लिसनर सुन रहे हैं मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ ऑन ए सीरियस नोट, यहाँ पे अनुराग के अगेंस्ट कौन है, कौन है देख लो एक बार उसने क्या कटवा, किया कटवा है। अरे रुक जा भाई, उसने हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाया था, उसने गोधरा में मरे हुए हिंदुओं का मजाक उड़ाया था, ठीक है उसने माफी भी नहीं मांगी, तो मेरे हिसाब से ऐसे पत्थरबाज तो नहीं जीतने चाहिए, सीधी बात है। तो ऑब्वियसली बात है कि सामने वाले को जिताओ, जिता आप कैसे सकते हो 10-10, 20-20 कमेंट हैशटैग अनुराग इज द बॉस करके, सीधी बात है, सीधी बात है भाई। मैं हेट करता हूँ ऐसे पत्थरबाजों को जो मेरे भगवान का इज्जत नहीं कर सकते, जो 2002 में मरे हुए हिंदुओं का इज्जत नहीं कर सकते, जो मजाक उड़ाते हैं, ठीक है तो उसके अगेंस्ट जो खड़ा है उसको तो जिताओ, सीधी बात है भाई, हम नहीं देख सकते इस पत्थरबाज को जीतते हुए, बाकी तुम लोग के ऊपर है भाई, अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, तो तुम लोग चाहोगे तो जिता सकते हो सामने वाले को, नहीं चाहोगे तो भाई लॉकअप की तरह जीतेगा, सीधी बात। बाकी देखो यहाँ जो लोग बैठे हैं जो भी बात कर रहे हैं सबके अपने आइडियोलॉजी, सबके अपनी विचारधारा है, मेरा बस इतना सा है कि प्रॉब्लम सिर्फ उससे नहीं है कि हमारा बंदा हारेगा या मेरा दोस्त हारेगा, जो भी है प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि बाय डिफॉल्ट हम कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री जिसको पिछले 2-3 सालों से बस्ट करते हुए आ रहे थे वो दोबारा खड़ी होगी, और बहुत अग्रेसिव नेचर के साथ खड़ी होगी, जस्ट बिकॉज अब दो चीज़ें हो गई हैं, या तो राइट या तो लेफ्ट, ये बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन जिस इंडस्ट्री को इतने दिनों से तबाह कर रखा था, दोबारा वापस फेन पे जिस एक्टिव होते हैं उनके, उनको इतना हीरो दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं आप इंस्टाग्राम रीलों में देख रहे होंगे कि कितना ग्लोरीफाई किया जा रहा है किसी एक इंसान को जिसने इतने मतलब घटिया चीज़ें करी हैं पास्ट टाइम में, ठीक है। तो वही पॉइंट है कि उसके सामने ऐसा बंदा खड़ा है, इसमें एक चीज़ और लॉजिक बहुत लोग देते हैं कि भाई इस चीज़ से ले रहा है उस चीज़ से ले रहा, तो मेरा सिंपल सा आंसर रहता है भाई जो आदमी ले सकता है, मैं आपको मतलब आपको कोई ने रोका है क्या?
अगर आपको क्लाउट मिल रहा है इस चीज से तो आप कर लो। अब वो कुछ भी हो, हम कह रहे हैं वो छपरी बोले, अपने आप को हिंदू बोले, जो भी बोले एट ऑल, जो भी आप उसे क्रिटिसाइज किया, मुझे भी किसी को भी एट ऑल ठीक है क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो वो चीज आप खुद भी ट्राई करो और ट्राई करके देखो, अगर हो सके तो बहुत बेहतर रहेगा। देखो क्रिटिज्म ओके है कि हमें कंटेंट नहीं पसंद, हमें ये चीजें नहीं पसंद, शो ऑफ नहीं पसंद, जो भी है एट ऑल आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, कोई ये मतलब नहीं होता है कि आप हेट देना शुरू कर दें, खासकर उस आदमी को जिसने अभी तक कुछ भी गलत नहीं बोला और उसको सपोर्ट करने लगे जस्ट बिकॉज आपको आपके फेवरेट कंटेंट कंटेस्टेंट से प्यार था। अब यहाँ ज्यादा घुमा फिरा के बात ना करूँ, मैं सिंपल बात करूँ कि यूके ने एल्विश को वन साइडेड सपोर्ट किया जिसके बाद